और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे सारे भाई लोग। तो भाई अभी लगभग 7 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अपनी जोन की तरफ और जोमेटो में काम करने वाला हूँ लगभग 4 घंटे। बट मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक चीज बताने वाला हूँ और एक ही चीज पर हम लोग फोकस करने वाले हैं, वो है भाई जोमेटो का जो ऑर्डर लेता है कस्टमर से और उसको जो है मैप के थ्रू कैसे कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। ये वीडियो स्पेशली मैप पर होने वाला। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था जोमेटो का जिसमें बताया कि भाई फर्स्ट ऑर्डर कैसे लिया जाता है, कैसे पिकअप किया जाता है, कैसे कस्टमर तक ड्रॉप किया जाता है, कंप्लीट प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो में। बट आज का वीडियो स्पेशली मैप पर होने वाला है, मैप के थ्रू कैसे आप कस्टमर तक पहुंचते हैं और कैसे कस्टमर तक ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, कैसे ड्रॉप लोकेशन पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो आज यही चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, मैं गूगल मैप का यूज नहीं करता हूं जोमेटो पे, मैं एक इंडियन एप्लीकेशन का यूज करता हूं जो कि फिलहाल मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं स्पेशल वीडियो उसके लिए बना लूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई कैसे उस मैप को जो है जोमेटो के साथ जोड़ना है। और साथ ही साथ भाई वो एग्जैक्ट मतलब जो रास्ता होता है उसी रास्ते से ले जाता है, गलियों के अंदर नहीं घुसता है। गूगल मैप क्या करता है भाई, कई बार बंद गलियों के अंदर घुसा जाता है और कई बार भाई लोगों के घरों के अंदर ले जाता है, जो गली जा रही है वो जाके एक घर के अंदर मतलब खत्म हो रही है वहां तक ले जाता है, उसके बाद आगे रास्ता ही नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे करके भाई गूगल मैप करता है भाई, इस तरह से मतलब रास्ता दिखाता है, ठीक है ना। लेकिन भाई जिस मैप का मैं यूज करता हूँ वो एग्जैक्ट रास्ता बताता है, लाइव लोकेशन दिखाता है, ठीक है ना। जो रास्ता सही है और क्लियर है वही दिखाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो इंडियन एप्लीकेशन है और इंडियन रोड के लिए ही वो डिजाइन किया गया उस तरह का एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो इंडियन रोडों का पूरा उसको पता है तो उस हिसाब से वो काम करता है। तो मैं आप लोगों को स्पेशल वीडियो बना के उस मैप के बारे में बता दूंगा, कैसे जोमेटो के साथ जोड़ना ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं जोन के अंदर और लॉग इन होते हैं, उसके बाद अपन चलते हैं भाई सिटी सेंटर, वहाँ से ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे भाई मैप को ऑन करते हैं, कैसे मैप के थ्रू पहुँचा जाता है कस्टमर तक। गाइज अभी लगभग बराबर 7 बज चुके हैं, 7:01 हो गया अभी और मैं हो चुका हूँ लॉग इन। और अभी भाई किसी तरह की कोई भी सेल्फी वगैरह या बैग की सेल्फी नहीं मांगा जोमेटो ने, डायरेक्ट मेरे को लॉग इन कर दिया। और अभी चलते सिटी सेंटर, वहाँ से कोई ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस हमारा शुरू होगा। तो भाई अभी हमारा ऑर्डर आ गया और हमारी ऑर्डर आईडी है 5061। हाँ यही मेरा ही है, ठीक है। तो चलो भाई हमने यहाँ से जो है पहला ऑर्डर पिकअप कर लिया और अभी हमारा जो प्रोसेस शुरू होता है भाई कस्टमर तक कैसे ऑर्डर को पहुँचाए। तो चलो भाई मैप को कैसे यूज़ करना है, अभी मैंने ऑर्डर को पिकअप कर लिया एंड ऑर्डर को पिकअप करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैप पर जाए, सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है ना। इस पर क्लिक करने के बाद मैप खुल जाएगा एंड मैप खुलने के बाद आगे का प्रोसेस हमारा शुरू होता है। कितना हो जाएगा मतलब फुल टाइम कर जान, तेल खर्चो निकाल हो जाए, कितने बजे तक करो शाम रहे, जब तक टारगेट पूरा नहीं होता चाहे 11 बजे। अच्छा नॉर्मली 10 बजे तक हो जाता है 14 ऑर्डर का, नॉर्मल 10 बजे तक हो जाता है। हाँ 10 बजे तक 2 घंटे लॉग इन रहना होता है और उसके बाद जा सकते हैं। कभी 10 आज इस ऑर्डर नहीं है, आज 11 बज जाएगी, 11:15 हो जाएगी और टारगेट हो जाएगा। अच्छा ठीक साहब है। तो गाइस अभी मैंने ऑर्डर को पिकअप कर लिया और आप लोग देख सकते हो भाई किस तरह से मेरे को दिखा रहा है मैप, आपको बिल्कुल भाई मैप को फॉलो करना है। देखो यार मैं कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रखता हूँ, ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर मेरी फैमिली है, ठीक है ना। तो आप लोगों के साथ शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए काम की लायक है, ठीक है ना। जो जोमेटो के अंदर राइडर काम करते हैं उन भाई लोगों की मदद के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ फिलहाल, तो ठीक है ना। बाकी ये मेरी लंबी प्लानिंग नहीं है कि मैं जोमेटो में ही काम करने वाला हूँ परमानेंट, ठीक है ना। तो ये बस अपने चैनल को ग्रो कर रहा हूँ एंड साथ ही साथ भाई उन लोगों की मदद हो रही है जो लोग जोमेटो के साथ नए हैं और काम कर रहे हैं। सो अभी मैं आप लोगों को बता दूं भाई हमारा जो किस तरह से जो है डायरेक्शन दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हो भाई कुछ इस प्रकार से, आगे रतनाडा चौराहा आ रहा है, चौराहा आता है तो भाई गोल सिंबल दिखा लेता है और उसके बाद उस चौराहे के थ्रू जाना पड़ता है। अभी भाई सिग्नल लग गया है तो लगभग भाई 2 मिनट का सिग्नल लगता है, 2 मिनट मेरे को वेट करना पड़ेगा और अभी काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, लगभग 92 सेकेंड रहेगा या फिर 91-90। तो कुछ इस प्रकार का भाई हमारा जो है मैप का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो भाई ये तीर के सिंबल दिखाई दे रहा है, ये तीर के सिंबल के थ्रू आपको जाना है भाई। और मैं जो एप्लीकेशन यूज करता हूँ वो मैं आप लोगों को क्लियर कर लेता हूँ, मैपल एप्लीकेशन का यूज करता हूँ, इंडिया का एक बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है जो इंडिया की रोडों के बारे में बखूबी जानता है, मतलब हर रास्ते को आपको जो है डिटेल के साथ बता देता है। अगर भाई पुल आ रहा है तो पुल का सिंबल दिखा देता है, जब आपके सामने पुल आता है तो आपको पुल के ऊपर से लेना या नीचे से लेना वो भी चीज़ें दिखा देता है, बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन को जोमेटो के साथ कैसे जाता है वो आप लोगों के साथ एक स्पेशल वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल तो भाई मैं आप लोगों को डायरेक्शन के थ्रू आपको जो है कैसे कस्टमर तक पहुंचना है मैप के थ्रू, ठीक है, यही टॉपिक पर काम करने वाले अपन।
अभी ना भाई मेरे गाड़ी में तेल भी काफी ज्यादा कम है, मीटर काफी ज्यादा डाउन बता ना, बट अभी तक है तेल लगभग आधा लीटर से ऊपर ही है जिस हिसाब से मीटर बता रहा है रीडिंग के हिसाब से। तो वापस आते समय भाई उस साइड में जो पेट्रोल पंप आता है लेफ्ट साइड में, उस साइड से हम आएंगे तो भाई पेट्रोल पंप से तेल भरवा लेंगे। तो अभी भाई यहाँ पे आ गया बाटी सर्कल, और बाटी सर्कल से जो डायरेक्शन दिखा रहा है आप लोग देख सकते हो भाई मैप के अंदर, ठीक है ना। मैं आप लोगों को नजदीक जाके दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पे भाई दो तीन रास्ते हैं, बट मेरे को जो रास्ता दिखा रहा है वो यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है, जिस तरफ पे भाई ब्लू लाइन दिखा रहा है उस साइड में मेरे को जाना है, ठीक है ना। तो मेरे को यहाँ पे मुड़ना है, और आप लोग देख सकते हो अभी भाई वापस से जो है बराबर हो जाएगा, एकदम सही डिस्टेंस बताने लग जाएगा। आप लोग देख सकते हो जो आप लोग देख सकते हो भाई जिस साइड में मैं मुड़ रहा हूँ उसी तरफ से जो है तीर भी सीधा हो रहा है। तो जैसे ही सीधा हो जाएगा तो आप समझ लेना कि भाई सीधा आप जो है आप सही रास्ते पे जा रहे हो। तो आप लोग देख सकते हो भाई रीडिंग किस तरह से दिखाई दे रही है, जूम करके आप लोगों को नज़दीक से दिखा रहा हूँ। हालांकि गोप्रो के अंदर जूम होता नहीं है, बट मैं नज़दीक जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से रास्ता का डायरेक्शन दिखाता है भाई मैप के अंदर। आप लोग देख सकते हो आगे एक सर्कल आ रहा है, और जो मैं मुझे डायरेक्शन दिखा रहा है मेरे को जो है लेफ्ट साइड में घूमना है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में मुड़ना है। तो आप लोग देख सकते हो भाई लेफ्ट साइड में मुड़ना है, तो कुछ इस प्रकार का सिंबल आ रहा है, कुछ इस प्रकार से लाइन दिखाई दे रही है ग्रीन लाइन, और इसी ग्रीन लाइन को फॉलो करते हुए कस्टमर तक पहुंचना है। तो मेरे को यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में मुड़ना है, उधर में ये जो है सर्कल है, सर्कल के उस साइड में भी गाड़ियाँ चल रही हैं, इस साइड में मेरे को जाना है। और आगे एक और सर्कल आ रहा है, उस सर्कल से मेरे को जो है पावटा पुलिया की तरफ चढ़ना है। तो मुझे पता है वैसे तो भाई मैं रोज़ आता जाता रहता हूँ कहाँ पे है पावटा सी रोड, बट मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग मेरे जोमेटो के साथ नए जुड़ते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि भाई कैसे मैप को फॉलो करके हम जो है कस्टमर की लोकेशन तक पहुँचे। तो कई बार ऐसा हुआ है भाई मेरे साथ कि बहुत सारे जो नए राइडर्स हैं वो पूछते हैं कि भाई ये एड्रेस कहाँ का है, तो मैं उनको यही बताता हूँ भाई मैप के थ्रू जाओ, मैप को फॉलो करते हो और कस्टमर के पास आपको मैप पहुँचा देगा। बट गूगल मैप का भरोसा करते हैं तो वो कई बार फंस जाते हैं, कई बार गलत गलियों में घुस जाते हैं। उनको मैं यही सजेस्ट करता हूं कि भाई इस एप्लीकेशन को यूज़ करो, क्योंकि ये इंडियन एप्लीकेशन है और इंडियन रोडों के बारे में बखूबी जानता है, हर चीज़ को सही से मतलब जानता है कि कौन सी रोड खुली है और कौन सी रोड बंद है। गूगल भाई कई बार बंद रोडों पर भी डाल देता है, बंद गलियों में घुसा देता है, तो ऐसे में भाई प्रॉब्लम होती है। तो मैं हर राइडर को यही सजेस्ट करता हूँ, इस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपके डिमांड के हिसाब से, मैं इसके ऊपर भाई स्पेशल वीडियो बना दूंगा कैसे जोमेटो एप्लीकेशन के अंदर इसको जोड़ा जाता है, कैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाता है, कौन सा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। अभी ये पावटा सर्कल है भाई, पीछे बहुत सारे रास्ते जा रहे थे, कम से कम भाई तीन चार रास्ते इधर उधर रोड जा रही थी, बट मैं इस डायरेक्शन के हिसाब से चला जो ग्रीन लाइन है इसको फॉलो करते हुए। तो अभी मेरे को जो है थोड़ा सा आगे जाना है, लगभग अभी मेरे को 140 मीटर या 130 बता रहा है अभी, 130 मीटर जाना, और उसके बाद लेफ्ट साइड में मुड़ना है जो पावटा सी रोड है, ठीक है ना। तो सामने की तरफ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी है, तो उस ट्रैफिक के पीछे पीछे मेरे को भी अपनी गाड़ी को घुमाना है। आप लोग देख सकते हो सिम्बोल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जो मेरे को जो है लेफ्ट साइड में घूमने के लिए बोल रहा है। भाई साहब चलो चलो रिक्शे वाले भाई साहब, बजाज मैक्सिमा, तो ये है भाई पीसी भंडारी की बजाज मैक्सिमा रिक्शा। कार वाला हॉर्न दे रहा भाई बार बार मेरे वीडियो में गड़बड़ कर रहा है भाई। तो भाई मेरे को घूमना है लेफ्ट साइड में, और आप लोग देख सकते हो भाई कुछ इस प्रकार से जो है डायरेक्शन दिखा रहा है। अभी मैप भी भाई सीधा हो गया, मोबाइल की स्क्रीन पर जो है डायरेक्शन सीधा हो गया, ठीक है ना, और इसी डायरेक्शन के हिसाब से मेरे को चलना है। सो भाई अभी मैं जो है सीधा रोड पर आ गया, और आप लोग देख सकते हो भाई अभी सीधा बता रहा है, और अभी मेरे को आगे जाके जो है वापस से लेफ्ट साइड में घूमना है। आप लोगों को बता रहा था जिस डायरेक्शन में मैं घुमा था पावटा सी रोड, ये इस रोड पे, ठीक है ना, पीछे मैं घुमा था तो वो था भाई राइट साइड, ठीक है ना, जो राइट साइड इस साइड वाला होता है जो कि खाना वगैरह खाता है हम, रेस वाला जो हाथ है ना, इस साइड में घुमा था। और अभी मेरे को घूमना है भाई लेफ्ट साइड में कलश वाली साइड में, देख सकते हो तीर का निशान जो है सीधा ख़त्म हो गया, अब लेफ्ट साइड में घूमने के लिए बता रहा है, तो मैं लेफ्ट साइड घूम लेता हूँ, ठीक है ना। लेफ्ट साइड घूमने के बाद आप लोग देख सकते हो ये जो है जो सिंबल दिखा रहा है मैप का वो सीधा हो गया, और अब मेरे को सीधा सीधा चलना है। सीधा चलने के बाद वापस से मेरे को राइट घूमना है। तो आप लोग देख सकते हो भाई इसको फॉलो कीजिए, जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है एंड सिंबल दिखाई दे रहा है, आगे जाके भाई रोड ही खत्म हो रही है आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। अब मेरे को राइट साइड में घूमना है, हालांकि एक साइड में लेफ्ट साइड में भी रोड जाती है, बट मेरे को जो है राइट साइड में घूमना है, क्योंकि जो सिंबल दिखाई दे रहा और जो डायरेक्शन दिखाई दे रहा वो राइट साइड में घूमने का है। तो चलो जी आगे कार खड़ी है, तो यहाँ से भाई निकलते हैं, ठीक है ना भाई। तो कार के पीछे पीछे निकाल देते हैं अपन भी, साइड से आ रही है अल्टो। तो भाई अभी जो है मैं इस साइड में निकल गया, अब ज़्यादा दूर नहीं है भाई, सीधा जाके वापस से जो है लेफ्ट साइड में घूमना है। अभी राइट साइड में घूमा था मैं, और अब जो है लेफ्ट साइड में वापस घूमना है थोड़ा सा आगे जाके। उसके बाद लेफ्ट साइड में ही एक घर है, अब वो घर कौन सा है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा वहाँ पहुँचने के बाद। अभी सीधा चलना है मेरे को लगभग 350 मीटर, ठीक है ना।
तो भाई फाइनली ये पॉइंट आ गया लेफ्ट घूमने वाला, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो यहाँ से जो है आगे का रास्ता खत्म हो रहा है और लेफ्ट साइड में खुल रहा है। तो चलो भाई इस डायरेक्शन के हिसाब से चलते हैं। और इसी गली के अंदर कस्टमर का घर है। अब घर कहाँ पे है कहाँ नहीं है, जहाँ पे हमारा लोकेशन खत्म होगा वहीं से जाके कस्टमर को कॉल करेंगे, ठीक है ना। वो भी प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। अभी भी 50 मीटर बता रहा है, 50 मीटर हमको चलना है। तो भाई यहाँ पर जो है लोकेशन ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस आप लोग देख लीजिए। सिंपली यहाँ पे ड्रॉप लोकेशन पर पहुँच गए, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा जो मैप है वो यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है ना। अगर आपको और ज़रूरत है मैप की और खोलने की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैप पर जाए का ऑप्शन खुला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर कस्टमर का घर यहाँ पर नहीं है, आगे जाना है, तो फिर से मैप खोल सकते हो, ठीक है ना। बाकी जहाँ पर लोकेशन ख़त्म होगी उसके आगे कोई लोकेशन खुलेगी नहीं, पहली बात। तो चलो कस्टमर को कॉल करते हैं, फिर ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देते समय भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो भाई एड्रेस के हिसाब से कस्टमर का घर सामने वाला ही है, ठीक है ना। 70 नंबर प्लॉट है और यहाँ पे जो है नंबर 3। हेलो मैम, मैम घर के बाहर खड़ा हूँ लोकेशन पे। ओके मैम, चलो भाई यहाँ पे जो है मैम ने बात कर ली और आ रहे हैं बाहर कोई ऑर्डर लेने के लिए, ठीक है ना। तो चलो जी यहाँ से जो है हमारा ऑर्डर कंप्लीट होता है। हमने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया ये ऑर्डर और इस ऑर्डर की अर्निंग बता देते हैं 44.25 रुपये, ठीक है ना। और भाई 26 मिनट में इस ऑर्डर को कंप्लीट किया और लगभग 6 किलोमीटर का था, 6.25 किलोमीटर का ऑर्डर था। चलो अगला ऑर्डर लेते हैं। तो यही था भाई प्रोसेस जिसके माध्यम से आप जो है कस्टमर तक पहुंच सकते हैं और कस्टमर को हैंडओवर कर सकते हो ऑर्डर, ठीक है ना। सो उम्मीद करते हैं गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड भाई आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई मैप को फॉलो करके कैसे कस्टमर तक ऑर्डर को पहुंचाया जाता है, कैसे कस्टमर तक ड्रॉप किया जाता है ऑर्डर को, ठीक है ना। पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। बाकी यार आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितना हेल्पफुल वीडियो है, और अगर कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। तो चलिए भाई मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।